शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता यहाँ से जाओ। अंकल जी। हाँ। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल। यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी। सनी सनी नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है, कभी तू यहाँ सो कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है, आधा मेरा ना, ये साइड तेरा ये साइड मेरा है। अच्छा वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मेरे। मैं लौंडों के गले नहीं लगता। अच्छा इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन ये जो तेरे गुल्लक है तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों का नहीं, भगवान यहाँ से नहीं हिलने के। तो ये जो मैं पोस्टर लाया हूँ अपने बैग में ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे, यहाँ से भगवान नहीं हिलने के। सुन आइडिया दूं, बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? बू आती है वहां से। मैं भी तो देखूं बू कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। सारे गणित लगा दिए भगाने के। नजारा है। अच्छा समीर जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से बू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों तेरी कोई लगती है क्या? नहीं ये शरीफों का मोहल्ला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। तुम मत कूदो। क्यों? तुम्हारी महादशा पहले से ही खराब चल रही है, तुम जाओगे अच्छे के लिए और गिरोगे कर्नल के ऊपर। हाय चेक्स। ये तो घर में घुस रहे हैं ना, मेरा गणित कहता है इनको टॉमी बाहर ही काटेगा। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड डॉगी। तो अंदर चला गया। अरे तुम फिकर मत करो, मेरा गणित कहता है एक मिनट में कर्नल इनको बाहर फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? टॉमी। अरे बड़ा अनोखा और नया नाम है। पेरी पेन अंकल जी। कौन हो तुम? सनी। और क्या चाहते हो? अंकल जी मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, अभी अभी मोहल्ले में आया हूँ, इंक्वायरी की तो पता चला सबसे शरीफ और ईमानदार लौंडे आप ही इस मोहल्ले में। लौंडे? और क्या, अपने आप को देखो, अच्छे खासे लौंडे शर्मा जाए आपको देख के। और एक मिनट, ये आपके कान में और ये पट्टा कैसा ब्रदर? मत पूछो, सोचता हूँ तो मेरा खून खौलता है। गणित गलत हो रहा है।
अरे क्या कर रहे हो? मत करिए, मैंने अरे क्या कर रहे हो? अच्छी खासी हड्डियाँ अरे ठीक कर दी है। ये तो छोटी सी लचक है, ध्यान से सीधे देखिए ये। अब बोलिए कैसा लग रहा है, सच बताइए। अच्छा लग रहा है, है ना? हाँ भाई, तुम किनके घर रहने के लिए आए हो? ये आपके पड़ोस में डुगल साहब के यहाँ। जिसने मेरी गर्दन तोड़ी है ना, वो कमबख्त वहीं रहता है। गुस्सा नहीं, मैं उसी के रूम में रहता हूँ। जानता हूँ बदतमीज है, सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए बुजुर्गों के साथ। वो तो इत्तफाक से बॉल लग गया। अरे डार्लिंग, ये क्या हो रहा है? तुमने मसाज वाला कब से रख लिया? ना आज ही से। ना डार्लिंग, ये मसाज वाला नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका नाम है सनी, हमारे सामने दुग्गल साहब के घर में रहता है। अच्छा अच्छा। एक बात कहूँ, ये जो मसाज है ना, कभी बंद कमरों में नहीं होता। इसके लिए ओपन गार्डन चाहिए या टेरेस गार्डन, ऐसी जगह तो कमाल। नथिंग लाइक इट। हमारे पास है ना टेरेस गार्डन। नहीं सची? हाँ, कहाँ? ऊपर। अरे मैं देख सकता हूँ? हाँ। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सनी। है आ विकेट सनी। विकेट सनी। क्या खा लिया इसने? ये तो नृत्य मुद्रा में जा रहा है कन्या की तरफ। चुरा लेगा रानी। Wicked Sunny. Sorry. Hi. Sunny. A flower for a beautiful lady. Thank you. Pleasure. देखो, तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई। इसकी लव स्टोरी हाथ मिलाने से शुरू हुई और सुहागरात की सेज पे जाके खत्म होगी। सर, मेरा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए ना प्लीज। क्या करूं मैं आपका? मुझे एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा दे दीजिए ना। क्या? सिक्योरिटी। यस सर। तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम जानते हो? हाँ सर, मेरी धर्मपत्नी है। तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? है ना, दो हैं, है ना? लेकिन दोनों लड़के हैं, और आप तो जानते हैं कि लड़के कैसे होते हैं। मुझे एक बेटी चाहिए। तुम मुझसे क्यों मांग रही हो? इनसे मांगो। सुनिए। अरे अरे सुनिए ना। क्या है? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे एक बेटी देंगे, इसलिए जब भी ड्यूटी से घर आते थे तो मेरे लिए गजरी और जलेबियां लाया करते थे, और फिर बड़े प्यार से घर की खिड़की और दरवाजे भी बंद किया करते थे। लेकिन जब से आपने इनकी नाइट ड्यूटी लगाई है ना, घर की खिड़की और दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं कि ये आराम से सो सके। मैंने माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो गलती से होती है ना सर। आपसे भी कभी ना कभी गलती से गलती हुई होगी। हाँ, you're right. और मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, और मैं आपकी definitely help करूँगा। एक सेकंड। रॉकी। रॉकी। Yes sir. कल से रोज तुम इनके घर जलेबी और गजरे ले जाया करोगे, समझे? Yes sir. Good. ये क्या? उठी? क्या गलत बोला? ₹500 दादी के लिए, ₹500 बहन की पढ़ाई के लिए, ₹500 उसकी शादी के लिए, पांच। रूम पार्टनर? अरे क्या नजारा है, इस कमरे का भाड़ा तो लाख रुपए होना चाहिए था भाई। ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ। अच्छा। देखेगा तू? देखा ले। ये तो कर्नल की बेटी है। हैं? दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तू पी क्या रहा है? पानी। पानी है? तेरी कसम। अच्छा पी। सुंगा, ये पानी है? अरे
ये गोवा की स्पेशलिटी है, फेनी है, काजू का जूस है। अच्छा, अब मैं तेरा जूस निकालता हूँ। दुग्गल साहब से जाके कहता हूँ कि तू यहाँ पर शराब पीता है। सुन 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 सुन, देख देख देख, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, बस ये लास्ट घूंट है। ये क्या है? अरे ये देख, मेरी दीवार पर तेरे देवता है, तो तेरे दीवार पर मैंने अपनी देवियां लगा ली, तो इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? नहीं खा रहा गुस्सा। गुस्सा हो रहा तू? बिल्कुल नहीं। शांत गदाधारी भी शांत। देख, तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता है तू। मारने का मन कर रहा है? नहीं। मुझे मार। नहीं। मार ले। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक काम कर, तू अपनी साइड पे आ जा। ओके, शांति शांति। क्या क्या भौचाल? दुग्गल साहब, दुग्गल साहब, आपने किसको मेरा रूम पार्टनर बना दिया है? हाँ, शराब पीता है, दूरबीन से कर्नल की बेटी को देखता है, और कर्नल उसको शरीफ आदमी समझता है। आपको जाके कर्नल को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। हाँ हाँ, आप क्यों बताएंगे, उसने तो पैसों से आपका मुंह बंद कर दिया। मैं जाके बता के आता हूं। दुग्गल साहब, लगता है जी बहरे। दुग्गल साहब, दुग्गल साहब, बहरे। बरखुरदार, गर्दन में तो अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। नमस्ते आंटी जी। कान के बारे में भी कुछ सोचो ना। ये गर्दन एक बार ठीक हो जाए तो कान तो बड़ी छोटी चीज है, खींचते ही ठीक हो जाएगी। रानी कहाँ है? देखा रामा, एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन कितना फर्क है इन दोनों में। एक कमीना मुझे जख्म देता है और दूसरा भला मानस मेरे जख्म की मरहम पट्टी करने के लिए रोज चला आता है। तमी हट, तमी हट। अरे समीर तो कहीं दिखाई नहीं देता, ये टॉमी किस पर भौंक रहा है? अंकल जी, कुत्तों की याददाश्त बड़ी तेज होती है, उसे याद करके भौंक रहा होगा। रानी कहाँ है? साला कुत्ता कहीं का। पापा 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 पापा, कैस क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? इस साल ऑल इंडिया फैशन डिजाइनर्स कंपटीशन गोवा में हो रहा है, और इसके लिए मैंने अपने डिजाइन्स भेजे थे। हाँ। और वो डिजाइन सिलेक्ट हो गए हैं, और इस साल के कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। पापा, मुझे कंपटीशन की एंट्री फीस भरनी है, दो दिन में, सिर्फ 20,000 रुपए। दे दो, मैं हूँ ना, शादी के बाद मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। 20,000? नहीं बेटा, इतने तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज पापा, मेरे लिए, ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता पापा। हाँ। इन्हें पैसे दे दीजिए, गिव द मनी। बेटा कहाँ से दे दूँ, मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, पेंशन के ऊपर जी रहा हूँ, 20,000 रुपया कहाँ से निकाल के दे दूँ? कितना सेल्फिश बाप है ये। इट्स ओके। नाराज कर दिया ना आपने। इस महीने पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। 12,000 रुपए की कान की मशीन आ गई, 3,000 रुपए का गले का पट्टा, 20,000 रुपए कहाँ से दे दूँ? अबे नहीं देगा ना तो आंख बचिए, हार्ट बचाए, लंग बचाए, किडनी बचिए, सब पंक्चर कर दूंगा। और दादी तू कहती गुस्सा मत कर। अरे क्यों नहीं करूँ गुस्सा, वो कर्नल रानी को पैसा नहीं दे रहा है। अरे कौन उस बिचारी के काम आएगा? जी चाहता हूँ कर्नल का मैं गला। ए दादी, एक सॉलिड आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका सपना पूरा करें, और उसके बाद तेरी आंखों का ऑपरेशन करें। और दादी वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली। अरे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल मधुबाला। बहुत पैसे इसमें तो। छोड़ से, मैं छोड़ू बिस्किट नहीं, छोड़ मैं कुत्ते, छोड़। वफ वफ। टॉमी, आज सोनी है, आज
डियरेस्ट रानी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो। तुम्हारी तरक्की में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए ये पैसे भेजकर तुम्हारी पहली रुकावट दूर कर रहा हूँ। इसे एहसान नहीं, बस एक दोस्त का तोहफा समझना। I'm very happy. सनी? रानी? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो। रानी, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम। I'm impressed. Wicked Sunny. आज मुझे लगता है मेरा गिटार सीखना सफल हुआ। How sweet. अच्छा लो लड्डू खाओ। ये किस खुशी में? उस दिन मैंने बताया था ना कि मुझे फैशन डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आज मैंने उसकी एंट्री फीस भर दी। नहीं सच्ची? I don't believe it. लेकिन मैं दो लड्डू लूंगा। क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे भगवान के लिए। चुरा लेगा रानी। तो लो ना। थैंक यू। विकेट सनी। मैं चलती हूँ। अबे बेसुरे ढोल, तेरे अब्बा ने भी कभी गिटार बजाया? दे मुझे। पापा तो इंदौर में बिजनेसमैन है। इंदौर में बिजनेसमैन है पापा, और तू गिटार बजा रहा था? मैंने कब का, वो तो वो बेचारी समझ के चले गई। हाँ, आपकी जुबान पे तो ताले लगे थे ना, सिर्फ ही कर सकते थे। अरे बोलना चाहिए था ना कि गिटार मैं बजा रहा था। मुझे क्या पागल किसी कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं उसको कहूँ गिटार मैं नहीं बजा रहा था, हमारे पंडित समीर मल्होत्रा बजा रहे थे। अरे बड़ी इम्प्रेस होके गई है। और बाय द वे, तेरी यहाँ की देवियों की तस्वीरें भी देख गई है, पता क्या करी थी? छी। ओए, मेरे साइड आ गया तो, मैंने कहा था किस कर लूंगा कोई भी चीज आई तो। पंडित सही कहता था कि तू सनी नहीं, तू शनि है, मुझसे दूर रहा कर तू। सनी सनी किस मी बेबी। ये तो गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूं, जी चाहता है। वो आ रहा है। अरे भाई सनी, तुमसे कितनी बार का तुम किराया, कितनी बार का आया किराया तो दो। अंकल जी, डैडी को पता भेज दिया, वो पैसे भेजते होंगे। हाँ, मगर ये बात याद रखो कि इस बार पैसे नहीं आए तो तुम यहाँ से जाना पड़ेगा। अंकल जी, मैंने कभी आपको तंग किया? आंटी जी, कभी तंग किया मैंने? तो फिर आप ये सफाई क्यों नहीं करते हो रेलिंग की? ये देखो। तुम किराया तो दो, रोज सफाई हो जाया करेगी, फिर क्या है? वो चला गया। तो बोला तो करो, मैं खामखा उधर बोल रहा हूँ। दुग्गल साहब हैं? हाँ है। तो चिट्ठी आई है सनी के नाम पर। वो इन्हीं के यहाँ रहते हैं ना? अबे हाँ, यही रहते हैं। जा दुग्गल साहब, सनी की चिट्ठी आई है। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे? दो दो हा? दो चिट्ठियां हैं, दूसरी किसकी है? एक ही है, मैंने कहा दो। ओ, तो लो और इसको रवाना करो। हाँ हाँ, तो जा रहा हूँ। तो जाना नहीं तो क्या, यहाँ खाना खाएगा, नींद मारेगा? गया कि नहीं? चल पढ़ चिट्ठी। अरे सनी की चिट्ठी है, हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इन्हें, वो हमारा किरायादार है, हमको मालूम होना चाहिए वो कैसा आदमी है, कैसे लोग उसको चिट्ठी लिखते हैं। पढ़। अरे पढ़ ना। खोलने तो दीजिए। लोहे की चिट्ठी है जो इतना वक्त लग रहा है। प्यारे बेटे सनी, जब से तुम गए हो मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे जहाज उदास खड़े हैं, उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं है। बेटे तुम्हारे बगैर मेरे 6 बंगले और 8 फैक्ट्री किस काम के? सुना है तुम किसी फकीर के यहाँ रह रहे हो। अगर कुछ दिन और रहना हो तो मुझे लिखो, मैं तुम्हारे मकान मालिक को एक बड़ा बंगला गिफ्ट करूँगा। तुम्हारा पापा? अरे क्या हुआ? सॉरी अंकल जी। अच्छा मैं चलता। कहाँ जा रहे हो बेटे? ना पापा का कोई मनी ऑर्डर है, ना कोई खाता है, किस मुंह से रहूं यहाँ? तू उस दिन की बात का बुरा मान गया? तुझे यहाँ कोई तकलीफ है बेटा? नहीं नहीं, ना जेब में फूटी कौड़ी है, 10,000 थे आप कंसों ने छीन लिए, और आप कह रहे हो कोई तकलीफ है। अरे तू 10,000 की क्या बात करता है, तू मुझसे बोल, मैं तुझे रोज 10,000 दूंगा। मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। आज से ना
तू खाना यही खाना और मैं तेरी लॉन्ड्री में क्या करूंगी। अच्छा हाथ तो छोड़ दो, और कच्चे कौन धोएगा? वो मैं धो दिया करूंगा, तू बोल तो मैं तुझे नहला दिया करूंगा। हाँ। मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। नहीं जाना बेटे कभी। एक बात बोलूं? हाँ। किसी ने सही कहा है कि अगर सच्चा प्यार पाना हो तो किसी गरीब की कुटिया में आकर रहना। दूरबीन रख, नहीं तो मैं कर्नल साहब को बोल दूंगा। बोल दे। तू शराब पी रहा है? तुझसे कहा था ना कल शराब मत पीना। रुक, अभी मैं दुग्गल साहब को बोलता हूं। उसको भी बोल दे। रुक रुक तू, दुग्गल साहब, दुग्गल साहब। कौन है बे? हाँ? आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे? यहाँ बैठ के नहीं पीऊ तो क्या छत में बैठ के पीऊ? गिर गया तो? इस वक्त आप शराब के नशे में, मैं आपसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपसे कल सुबह बात करता हूँ। दिखाई तो सुबह से नहीं दे रहा है, फिर क्या फर्क पड़ता आप है? इस बेचारे की बात का बुरा मत मानो, ये आपकी बोतल पकड़ो आप। ये लो। देखा, एक ये किराएदार है, तू तूने आज तक एक सड़ी चाय नहीं पिलाई, ये मुझे एज भी करा रहा है मालूम? कहाँ लेके जा रहा है? अरे मैं भूल गया, बिजली के पास चलना, चलो। हाँ। चलो चलो, चलो। उधर नहीं, उल्टी साइड। मत जाइए, बहुत बुरी आदत है। मत जाइए। ये अपना तामझाम उठा के लेके जा। तामझाम उठाने की बातें कर रहा, जवाब दीजिए। मत उठाइए, हमारा घर है, ऑर्डर देने वाला ये कौन है? फिर मैं ये सब फेंक दूंगा। सरकार उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। ये दे फेंक। अरे किसको पड़ी? किसको पड़ी? कर्नल को पड़ी। अरे किसने मारा? समीर भैया ने मारा, हमारे मोहल्ले का शिकारी है ये, बड़े बड़े कर्नल मारे इसने। क्या तू मेरे साइड पे क्यों खड़ा, मैं तुझे किस करूंगा? जब बिजली से प्यार कर। हे रानी, मुझे फिर से माफ कर दे तू। बिजली के पास आ जा, माफी मिल जाएगी। मैं आप लोगों को 20,000 रुपए ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अभी 15,000 किस बात के? मैम वो तो एंट्री फीस थी, ये एंटरटेनमेंट टैक्स है। आप लोगों को ये सब बातें पहले बोलनी चाहिए, अब शो के एक दिन पहले मैं कहां से लाऊंगी पैसे? एंटरटेनमेंट टैक्स एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये सबको पता है। आई एम वेरी सॉरी, अगर आज शाम तक आप पैसे नहीं दे पाए तो यू कैन नॉट डू द शो टुमारो। कैसे नहीं शो करेगी, ये मेरी रानी है। नाउ व्हाट मैम? हे रानी रो मत, रो मत प्लीज, रो मत। शो करेंगे रानी, आई प्रॉमिस यू करेंगे शो। पता है तुझे, मैंने आज ही सुना, गवर्नमेंट कहती है कि 21 साल से पहले किसी लड़की की शादी कराना गैर कानूनी है। बहना, इसका मतलब तेरे पास 3 साल है और तेरी भाभी रानी के लिए सिर्फ 3 दिन। तो एक काम करना, ये 3 साल तू दिल लगा के पढ़ाई कर। मैं ये मटकी तोड़ू प्लीज? थैंक यू, थैंक यू प्यारी बहना। ₹5,000 कम है, परेशान हो गया मैं। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। बहन की पढ़ाई की मटकी क्यों तोड़ी? प्रसाद की तोड़नी चाहिए थी ना। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल एंजॉय द सिंटिलेटिंग शो वी हैड ऑन टुनाइट। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस दिस इवनिंग्स विनर, मिस रानी जोगराज सिंह फ्रॉम गोवा। Congratulations and wish you all the very best. Thank you. Thank you. Abey, idhar 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 baat sun, baat sun. Tune janta hai? No, but she's hot, man. She's really hot. Achhi lagti hai, achhi lagti tujhe. Bahut achhi lagti hai. Kissiyan kar raha hai behno ko. What's wrong here? Thank you. Thank you so much. This is like a dream come true. Mujhe to samajh mein bhi nahi aa raha ki main kya kahun. Is sapne ko pura karne mein bahut sare logon ka haath hai. लेकिन एक शख्स है जिनका खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।
मैं ना उन्हें जानती हूँ ना पहचानती, मैं उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन वो एक अनजान दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद उस वक्त की जब मुझे किसी की बहुत जरूरत थी। वो अपने आप को मेरा वेलविशर कहते यानी मेरा शुभचिंतक। मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं प्लीज मुझसे मिलिए, मैं आपसे खुद मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। प्लीज, थैंक यू। माय डियर गॉड, दादी हमेशा कहती है कि मेरी जिंदगी में एक रानी आएगी, लेकिन आज तक एक नौकरानी नहीं आई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रानी जरूर आएगी। ओ गॉड, बिगाड़ना नहीं है, आई लव हर टू मच। वैसे मैं उसको घर पे बुला लेता लेकिन वहाँ पे वो सनी है ना, इसलिए मैंने आपके यहाँ बुला लिया है। क्या बुरा किया? कुछ बुरा नहीं किया, सब कुछ अच्छा किया। मैंने सब सुन लिया है समीर, जो तुम कहने की कोशिश कर रहे थे और जो तुमने नहीं कहा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। ओह गॉड, व्हाट अ स्वीट सपना, इसे पूरा कर देना प्लीज। आगे वैसे गॉड, आपने इसे क्या बनाया है? सनी? नहीं, सनी, ओ गॉड, इसको यहां पे क्यों? सनी, तुम? इसका मतलब वेलविशर तुम हो? बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जानता था एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। थैंक यू। गॉड, अरे इसका गला छोड़ो, मेरे गले लगो, ये फ्रॉड है। मेरी, तुम, मेरी। रानी आएगी। मत जाओ उसके साथ। अरे मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। अरे गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? इसे भी अभी चुपना था। अबे मुझसे प्यार करती है, छोड़ना यार। हे भगवान, समझा उसको, गाल मेरे, गाल छोड़ उसके कमीने। अरे रानी, मैं हूं, मैं वो नहीं हूं। Yeah!
कर्नल साहब हटिए। अरे क्या कहा, सामने आइए। अरे बीच में से हटिए। हाँ हटिए ना।